मुझे अपने देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी, क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बाँझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती, जल्दी तेरी डिवोर्स दिलवाऊंगी। मैं डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती थी, दीदी जिस दिन मैं बच्चा जन्म दूंगी उस दिन सब मुझे धक्के मार कर निकाल देंगे, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्या बोल रही है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ कमरे के अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बाँझ हो। मैं फौरन बच्चे को लेकर भाग गई और जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा नहीं बल्कि पति का बड़ा। जिंदगी फूलों की चीज नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है। न जाने मेरे ज़िंदगी में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे, मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आई थी। मेरी खूबसूरती से मेरी ननन बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कपड़े से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननन मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं कमरे में गई तो मेरा सारा सामान उलट पुलट किया हुआ था। ये सब क्या है समीना? उसके चेहरे पर ज़रा सा भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो चलकर बोली, मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगा लगा कर आपका रंग इतना गोरा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बोली, तो मुझसे पूछ सकती थी मेरे कमरे की तलाशी लेने का क्या बचपना है। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग वैसा ही है। मुझे घूर कर समीना कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरा पति अमर कमरे में आया तो मैंने उससे उसके बहन की शिकायत की। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वही करती है। एक बार मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरे बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति के बात ने मेरे पैर बांध दिए थे। अगले दिन मेरी ननन मेरे सारे मेरूम सूट ले ली थी और कहने लगी, भाभी ये रंग की सूट तुम नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसमें क्या वजह है? समीना कहने लगी, क्योंकि आप इस सूट में बहुत सुंदर लगती हो और मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, न जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत अपने पति से फिर से कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा वो कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में सवाल पैदा होता था कि मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपके समीना से। मैं ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को 2 माह गुजर गई थी। इन दोनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपना नौकरानी समझता था, वो मुझे अपने कामों का हुक्म देता था और मैं चुपचाप कर दिया करती थी।
मैं अक्सर सोचती थी कि क्या शादी ऐसा होता है जिसमें मैं दो अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं और ज़रूरत में काम भी आते हैं। खैर, 2 माह के बाद फिर एक परेशानी मेरे पीछा करने लगा। वो ये थी कि मेरी सास मुझसे पूछने लगी, बहू कोई खुशखबरी है? उनकी बात सुनकर मैं बोली, नहीं माँ, इतनी जल्दी क्या है? मेरी सास ने कहा, तुमने भी खूब कहा, तुम्हें मालूम है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भवती बन गई थी और एक तुम हो कि एक सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरे सास की बात मेरे दिल दुखा दिया था। मुझे मेरे सास और ननन हमेशा ताना देती थी। देखते देखते 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे पाई। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं की थी। ऐसा लगता था कि उन्हें मुझसे कोई दिलचस्प नहीं थी। मेरी सास ने मुझसे कह दिया, और कुछ दिन इंतज़ार कर लेती हूँ, अगर कोई खुशखबरी नहीं दिया तो तुम्हें डिवोर्स दिलवा कर रहूँगी। मैं रोते हुए पति से इस बात की शिकायत की थी। उन्होंने ये कहा कि वो मुझसे माँ के कहने पर शादी की थी, अगर वो बोलेंगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात बर्दाश्त की थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहती थी। वो देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और मुझे उठते बैठते ताने दे रही थी कि तुम्हारी तरह मुझे कोई बांझ लड़की मिल ना जाए। मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर उन्हें खुदा का ज़रा सा भी खौफ नहीं था। एक दिन मैं अपने पति से कहा, अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद खुदा मेरा सुन ले। पति ने मुझसे चिल्ला कर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं, और मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती हैं उनकी जितना भी इलाज किया जाए वो औलाद पैदा करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं बन सकती और वो बांझ ही रहती हैं। ये बात से मैं बिल्कुल टूट गई थी और दिमागी तौर पर बीमार हो गई थी। मेरी सास को देवर के लिए एक लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा देवरानी आने के बाद मेरी हालत बदल जाएगी, इसलिए मैंने शादी की सारी जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर अपने सर पर ले लिया था और देवरानी हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की दोस्ती हो जाए, मगर मेरी गलतफहमी साबित हुई थी, क्योंकि मेरी देवरानी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी से वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं बहाने बहाने से उसका दिल हासिल करने की कोशिश करती थी, मगर वो कोई ख़ास जवाब नहीं देती थी। असल में वो अपने लिए पनाह ढूंढ रही थी। मेरी ननन समीना की देवरानी के साथ बहुत अच्छी थी। उसने देवरानी से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मेरी देवरानी राधा के शादी को 2 हफ्ता हुआ था कि उसका जी मचलाने लगा था। मैं तो घबरा गई थी, क्योंकि राधा अगर प्रेग्नेंट हो गई तो इस घर में मुझ पर आफत आ जाएगी। एक दिन राधा चकरा कर गिर गई थी। डॉक्टर के चेकअप से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरे सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन की ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ननन भी मुझे ताना देने में पीछे नहीं हटती थी। मैं तो हैरान होती थी कि वो कैसी लड़की है, उसे ज़रा भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ना आ जाए। रात बहुत हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था।
तभी राधा मेरे कमरे के अंदर आई। वो पहली बार हुआ था, इससे पहले तो कभी तो वो मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसके आँखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है राधा, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैं बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे दीदी कह सकती हो? राधा कहने लगी कि दीदी, मैं देख रही हूँ, घर में जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आप पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चा खुदा का देन है, इसमें कैसी किसी का कोई जोर नहीं चलती। तुम दिल में बिल्कुल भी ये सब मत लाना। उसने इधर उधर देखा और चुपके से बोली, दीदी मैं एक बात बताऊं, ये जो सब अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी उस दिन ये लोग मुझे धक्का देकर घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, ये बुरी बात है, खुदा ना करे कभी भी तुम पर ऐसा दिन आए, खुदा सबकी खैर करे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में अमर आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ देख रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतना परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम मुझसे कुछ कह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, ये राधा अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस वैसे ही मुझसे बातें कर रही थी। अमर जल्दी से मेरे पास बैठ गए थे और बोले, अच्छा क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक अमर को इस कदर किसी चीज़ पर दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैंने बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब अमर से गुस्सा आ रहा था, उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बात कर रही थी। अमर का चेहरा लाल पड़ गया था। वो बोले, कैसी बात कर रही हो, मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल पे सवाल निकाले जा रहे थे। मैं चलकर बोली, हम औरतों की बात है, इससे आप दूर रहें। मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई थी। मेरे लिए अमर की ऐसा व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था और मुझे तो राधा की बातें भी अजीब लग रही थी, लेकिन दोनों ही अपने बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह नहीं कर रहे थे। उधर मेरी सास राधा की तारीफ की जा रही थी और देवर भी खुश था। वो राधा के लिए तरह तरह की फ्रूट्स लाया करता था। मैं ये सब देखकर चाह के रह जाती थी। मैं दिल में ये कह रही थी कि खुदा मुझ में किस चीज़ की कमी है, अगर वो मेरे देवराने को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जबकि अमर नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से और इस बार आपसे नहीं कहूंगी कि आप मुझे साथ ले चलो। अमर हंसकर बोले, राधा की प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब तक किस गलतफहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुन सुनकर पहले तो बहुत रोया करती थी मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। अमर नाश्ता करके चली गई थी। थोड़ी देर बाद राधा वहाँ आई और बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मुझ में बहुत शुक्रगुजार हुई थी। जब से पता चला था कि राधा प्रेग्नेंट है तब से मेरे सास उसे काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बना कर दिया करती थी। वो नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी
आपके घर वाले कहाँ हैं? वो कभी आपसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? राधा की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरे पलके भीग गई थी। मैं बोली, राधा, मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मौत हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई भी नहीं है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी चल बसी है। मेरा कोई मायका नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरे सास अपने बेटे के लिए मुझे पसंद इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ती थी। तो वो मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई। खुदा का शुक्र है राधा, तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी इसी तरह का अंजाम झेलने पड़ते। वो बोली, क्या हुआ? अगर अभी मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता पड़ा है, मैं जब बच्चा जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। मैं परेशान हो गई और बोली, मुझे बताओ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, ये सब आपकी गलतफहमी है। वो हंसकर चली गई थी। रात हुई तो वो फिर से मेरे कमरे में आई थी और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रही और रोती रही। मुझे मालूम नहीं कि वो ये सब क्यों करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वक्त गुजरता गया और उसकी पेट फूलता गया। जैसे जैसे उसका डिलीवरी का वक्त करीब होते गया वो उतना ही परेशान होने लगी थी। एक दिन सुबह उसकी हालत बड़ी अजीब थी। वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी तकलीफ से भरी चीखें की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी सच की बात से गुजर रही है। मेरे सास तो तड़प उठी थी, दरवाज़ा खटखटाने लगी थी कि बहू दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। राधा ने कहा, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। मेरी सास तड़प उठी थी, कहने लगी, ये कैसी बचपना है? ऐसा ना हो कि हम अपनी होने वाले औलाद को खो दें। अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। राधा ने इनकार कर दिया था। वो बोली, जल्दी से जेठानी को अंदर भेजो। मैं भी परेशान सी हो गई थी क्योंकि मुझे इस मामले में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सास मुझे जल्दी से कमरे की तरफ ढकेल दिया था। राधा ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे में गई उसने मुझे एक कंबल थमा दिया था। वो बोली, दीदी आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए, नहीं तो ये लोग मुझे मेरे बच्चा छीन लेंगे। आप तो वैसे भी बाँझ हैं, मेरी इस बच्चे को देखभाल करना। मैं बोली, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? राधा ने मुझे एक कागज़ दिया, उस पर एक पत्र लिखा था। मैंने वो बच्चा पकड़ा और राधा के पीछे वाले कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरे पीछे क्या हुआ होगा मुझे मालूम नहीं था। मैं उस बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार को पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी दरवाज़ा खोला। उसने मुझे देखकर हैरान हो गया और बोला, आप राधा के जेठानी हो ना? मैंने इस बात पर सर हिला दिया था। वो मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। वहाँ राधा की मम्मी और बहन भाई मौजूद थे और उसकी मम्मी ने मुझे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? मैंने कहा, राधा का बच्चा है, इसने आज ही इसी जन्म दिया है। राधा के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। ये देखकर हम सब दंग रह गए कि बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का पड़ा। हम सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब नजरे से देख रहे थे और राधा की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमें इतना बड़ा झूठ क्यों बोली थी? मैंने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ये सब मजाक तो मेरे साथ राधा ने किया है। मैं बांझ हूँ आंटी, राधा ने मुझे कहा था कि आप तो वैसे भी बांझ हो, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं। मगर देखो यहाँ तो बच्चा है ही नहीं। तब राधा की बहन आगे बढ़ी थी। वो बोली, राधा आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, ज़रूर कोई ना कोई राज की बात इस कंबल में छिपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूसी हो गई थी।
रिपोर्ट का क्या मतलब है? वो फाइल मुझसे पकड़ ली थी, वो अब इस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी, कहने लगी, ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना, मजाक तो राधा ने आपके साथ नहीं कर सकती। ऐसा मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपके पति बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता है। दीदी, बांझ आप नहीं, आपके पति हैं। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, जब वो ये सब जानते थे तो मुझ पर जुल्म क्यों करते थे? अमर की रिपोर्ट के नीचे ही देवर की रिपोर्ट थी, उसमें भी यही लिखा था कि वो भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे और राधा की बहन बोली, दीदी, राधा ने आपकी हालत देखकर झूठ मूठ का ड्रामा रचा होगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। उसकी सास को लगा होगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया हो, मेरे बेटे की कमी दूर हो गई हो, जबकि वो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज मालूम करना चाहती थी। मगर सच तो ये है कि वो दोनों भाई औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं हैं। अब तो मुझे समझ में आया कि राधा क्यों कहती थी कि उन लोगों ने मेरा बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देंगे। राधा की मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो राजी हो गए थे। अब हम सब जब मेरे ससुराल पहुँचे थे, ये देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास बहुत बुरी तरह से राधा को पीट रही थी और कह रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो? अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर लिया था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। अमर भी अपने कमरे से बाहर आ गया था, तो मैंने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ जोर से मारा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान कभी नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपना खामी बता सकते थे, तभी मैं तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। मुझे फौरन डिवोर्स दो। अगर अमर ने तो मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन देवर ने कहा मैं राधा को डिवोर्स नहीं दूंगा। उसने जो मुझे 9 महीना धोखे में रखा, उसको मैं सबक सिखा कर रहूँगा। इतने में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। पुलिस ने दोनों को अपने पत्नी पर जुल्म करने के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया था। राधा के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे और वो कहने लगे, आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। राधा ने अपने पति पर डिवोर्स का मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसको भी डिवोर्स मिल गया था। हम दोनों की ज़िंदगी राधा के होशियारी के लिए बिखरते बिखरते बच गया। हेलो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें फुली सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।